हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी जोन। आज मैं आपके साथ एक ऐसा शेयर करूंगी वीडियो जो आम तौर पे हर लड़की की माइंड में होता है कि हमारा जो बेस है वो इतना फ्लॉलेस क्यों नहीं दिखता जो जैसे सेलिब्रिटीज का दिखता है, या हमारा मेकअप जो है कुछ टाइम के बाद डल क्यों हो जाता है, ब्लैक क्यों हो जाता है, हमारी स्किन बिल्कुल ब्लैक क्यों नजर आनी शुरू हो जाती है। उन सब के स्टेप्स, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर अगर आप अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे तो आपका बेस भी फ्लॉलेस लगेगा और आपका मेकअप भी कभी भी ब्लैक नहीं होगा, मतलब ग्रे नहीं पड़ेगा, वो ग्रे हो जाता है बेसिकली। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी हम मेकअप करते हैं, मेकअप को स्टार्ट करने से पहले हमने अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि अगर कोई चीज़ गंदी होगी या कोई चीज़ डर्ट होगी जिसके ऊपर डस्ट पड़ी होगी, हम उसके ऊपर तो मेकअप नहीं ना कर सकते, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना है। हो सके अगर तो आप हफ्ते वीक में दो बार स्क्रबिंग करते हैं फिर तो आपको कोई नीड नहीं है, ठीक है। अगर नहीं करते तो कम से कम मेकअप को स्टार्ट करने से पहले, जैसे आपने रात को मेकअप पे जा मेकअप करना है, प्लीज मॉर्निंग में या इवनिंग में आप अच्छी, मतलब कि हल्के हल्के हैंड से लाइट स्क्रबिंग जरूर कीजिए, मतलब अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कीजिए, जो आपके पोर्स हैं, पोर्स के अंदर जो डस्ट है, ठीक है, जो डस्ट है वो इवन की वो हर चीज आपकी प्रॉपर निकल जाए और प्रॉपर वो खत्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम जब भी मेकअप लगाते हैं हम सीधा ही अपनी फाउंडेशन को अप्लाई कर देते हैं, जी नहीं, आपने जब भी फाउंडेशन लगानी है अपने अपना उससे पहले अपना CTM रूटीन ज़रूर करना है। वो क्या है कि आपने टोनिंग ज़रूर करनी है। टोनिंग क्या है, आपके जो फेस का जो मतलब pH लेवल है, pH है उसको बैलेंस करेगा। तो आपको अपना pH बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई भी टोनर नहीं है, रोज़ वाटर है, आप सिंपली रोज़ वाटर से भी अपनी स्किन को थोड़ा सा पैड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकंड है टोनिंग, सॉरी फर्स्ट हो गया आपकी क्लीनिंग, सेकंड होगी टोनिंग और थर्ड हो गई CTM। M मीन्स मॉइस्चराइजर, ठीक है, मीन्स आपने मॉइस्चराइजर लगाना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस वाले मॉइस्चराइजर लगाइए, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप प्लीज़ जो क्रीम वाले मॉइस्चराइजर आते हैं वो अप्लाई कीजिए, लेकिन मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना है। मेरे चैनल पे आपको मॉइस्चराइजर्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी, जेल बेस वाले मॉइस्चराइजर्स भी हैं, इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आप वो लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि हमारी स्किन ऑयली है हमने मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, हमारी और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी, अगर आपने अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर प्रॉपरली लगाया है तो आपकी स्किन हाइड्रेट होगी, ठीक है। और जो फाउंडेशन लगाने से पहले वाला जो स्टेप है, ठीक है, मतलब इन तीनों के बाद, उसके बाद आप सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। अगर आपका डे का फंक्शन है तो आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है, सनस्क्रीन तो मस्ट है, वो तो लगानी ही लगानी है। उसके बाद आपने प्राइमर लगाना है। प्राइमर आप कोई भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप जेल वाला प्राइमर लगा सकते हैं, नहीं तो आप क्रीम वाला प्राइमर लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड प्राइमर यूज़ कीजिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऑयल बेस्ड वाला प्राइमर ट्राई कीजिए। आपके पास सारे ही, दोनों की क्वांटिटीज आप, सॉरी दोनों ही आपको इजीली मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएंगे। हालांकि सबके रिव्यूज भी डिटेल में मेरे चैनल पर भी हैं, ठीक है। तो आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली आपने अपना जो है वो, मतलब कि प्राइमर जो है वो आपने चूज करना है। इसके बाद जो आपका स्टेप आता है वो आता है आपकी फाउंडेशन का, ठीक है। पहले आपने ये स्टेप इतने कंप्लीट करने हैं ताकि जो आपकी स्किन है वो बिल्कुल रेडी हो सके फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए, ठीक है, तब आपने अपनी फाउंडेशन को अप्लाई करना है। क्योंकि जो प्राइमर है वो आपकी स्किन और फाउंडेशन इन दोनों के बीच में एक बैरियर का काम करता है, बैरियर बनाकर रखता है, ठीक है, ताकि आपके जो पोर्स वगैरह हैं उसमें डायरेक्ट अगर वो चली जाएगी फाउंडेशन तो वो आपके पोर्स में नजर आएगी, वो बहुत बुरी लगती है। प्राइमर आपके जो पोर्स हैं उनको फिल कर देता है और एक स्मूथ टेक्सचर देता है। उसके बाद जब आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे आपकी फाउंडेशन जो है वो बहुत ही फ्लॉलेस लगेगी,
ठीक है। और वो ऑयल भी जितना आना था वो भी ज्यादा ऑयल भी स्क्रीट नहीं होगा, जिससे आपकी जो फाउंडेशन है वो ब्लैक हो जाती है। और एक कारण है फाउंडेशन काला होने का, हम आम तौर पे लोगों में ये मिथ है, मतलब लोग ये कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा गोरे हैं वो और ज़्यादा गोरे हो जाएं, जो मतलब वीटिश हैं वो भी और ज़्यादा गोरे हो जाएं। फाउंडेशन आपको गोरा करने के लिए नहीं होती। प्लीज़ गाइस, फाउंडेशन का शेड हमेशा अपनी स्किन टोन का ही लेना चाहिए। कभी भी आपने कोई डार्क मतलब सॉरी इतना लाइट शेड मत ले लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा ओवर हो जाए। एक आधा मतलब कि ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही लाइट शेड लगा लिया, या जिनकी बहुत ज़्यादा ओवर गोरी है उन्होंने और ज़्यादा डार्क लगा लिया और मतलब सॉरी और ज़्यादा लाइट लगा लिया, नहीं। हमेशा अपनी स्किन टोन का ही शेड लेना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा अपनी स्किन टोन से लाइट एक आधा एक शेड लाइट प्रेफर करती हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि मतलब कि जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज होती हैं कुछ टाइम बाद, क्योंकि ऑक्सीडाइज होती हैं तब भी वो ब्लैकनेस पे आती हैं। अगर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट शेड होगा तो वो ऑक्सीडाइज होने के बाद और ज़्यादा ब्लैक ग्रे डल आपका फेस बहुत ज़्यादा डल लगेगा। इसलिए आप प्रेफर कीजिए कि हल्का सा नहीं तो आप कंसीलर के साथ उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप मतलब कि जो आपकी स्किन टोन है बिल्कुल इवन लगे, क्योंकि फाउंडेशन ने आपको गोरे नहीं करना। प्लीज़ आप फाउंडेशन गोरे होने के लिए मत लगाइए, ठीक है। आपके सिर्फ आपका जो आपका कलर है बहुत सुंदर है, जो आपको मतलब जो गॉड ने गिफ्ट किया है वो बहुत अच्छा कलर है। मेरे अकॉर्डिंगली हर इंसान बहुत सुंदर है क्योंकि उसमें क्वालिटीज हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि गोरे लोग बहुत सुंदर होते हैं, नहीं, ठीक है। तो मतलब सबके अंदर ये है, तो आपने जो फाउंडेशन लेनी है वो अपने स्किन टोन की ही लेनी है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं लेनी, जिससे आपके बहुत ज़्यादा वाइट वाइट लगे वो नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उसके बाद थोड़ी टाइम बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद वो मतलब कि थोड़ा ग्रे पड़ जाता है, और क्या है कि जो हमारी अंडर आई एरियाज होते हैं उसमें वो थोड़ा सा कभी कभार किसी के बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं, अकेला फाउंडेशन उनको हाइड नहीं कर सकता, तो आपको हल्का सा कंसीलर लगाना पड़ता है। कंसीलर आप ऑरेंज कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उससे हल्का बिल्कुल लाइट, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डार्क कर लें उसके बाद जब फाउंडेशन लगाएं तो वो अलग अलग लगे, उसको भी सेट करना पड़ता है, उसको भी आपने प्रॉपर अपने उससे मतलब कि अपने जो भी आप टूल यूज़ करेंगे उसे प्रॉपर आपने सेट करना है। और जो आप टूल्स भी यूज़ करें, चाहे आप ब्रश यूज़ करें, ठीक है, और चाहे आप ये ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज़ करें, जो आपका मन हो वो यूज़ करें, अगर आप फिंगर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो सब कुछ आपका वॉश्ड होना चाहिए, इवन कि आपके हैंड्स भी वॉश होने चाहिए। हालांकि फिंगर्स से भी हमारा हल्का हल्का ऑयल स्क्रीट होता है, लेकिन मैं भी कभी कभार फिंगर से ही स्प्रेड करती हूँ, लेकिन आपके हैंड्स प्रॉपर वॉश होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप अगर आप टूल्स यूज़ करते हैं तो आपके टूल्स भी प्रॉपरली वॉश्ड होने चाहिए, क्योंकि ये भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और ये भी ऑयल्स गंदे अगर होंगे तो वो भी आपकी स्किन को मतलब कि ख़राब ही करेंगे। सो प्लीज़ मतलब कि आप इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए। और लास्ट में आप अपने मेकअप को सेट करने के लिए एक अच्छे सेटिंग स्प्रे के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेटिंग स्प्रे आपको आपके बजट में बहुत इजीली मिल जाते हैं, हालांकि मेरे चैनल पर भी उनके वीडियोस हैं, आप सर्च कर सकते हैं। और आप एक अच्छे सेटिंग स्प्रे मास्क का अच्छा बहुत अच्छा सेटिंग स्प्रे है, आपको अंडर 400-500 आपको इजीली वो मिल जाएगा, क्योंकि सेटिंग स्प्रे आपके मेकअप को सेट करके रखेगा, लॉन्ग लास्टिंग रखेगा, वो भी आपके मेकअप को बहुत होल्ड करके रखता है, क्योंकि प्राइमर का भी काम है आपकी जो फाउंडेशन है उसको होल्ड करना और उसको प्रॉपर एक बेस देना। तो उसी तरह ही जो सेटिंग स्प्रे है आप उसको भी उसके ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे जैसे आप अपनी स्किन की केयर करते जाएंगे उसी तरीके से आपकी जो फाउंडेशन है उतना ज़्यादा, जितना आप प्री अपनी फाउंडेशन से पहले जितना अच्छा वर्क अपनी स्किन को जितना हाइड्रेट कर सकते हैं उतनी आपकी फाउंडेशन फ्लॉलेस लगेगी। तो चाहे विंटर्स हों चाहे समर्स हों, अपना CTM करना और अपनी फाउंडेशन से पहले अपने प्राइमर को अप्लाई करना, और फाउंडेशन बिल्कुल राइट मैच का आपने ही यूज़ करना है, ठीक है। आप इन स्टेप्स को ज़रूर अप्लाई कीजिए और फिर देखिए आपकी जो स्किन है जो आपकी फाउंडेशन है वो कितनी फ्लॉलेस लगेगी और बहुत जल्दी सीमलेसली ब्लेंड होगी, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी।
अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच।